गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। सो आपके ड्राइंग में मैंने जो इससे पहले आपको बताया था, करवाया भी था, वो था थ्रेड पेंटिंग। एंड जो आपको आज बता रहे हैं मैम आपको, वो है वेजिटेबल। जो वेजिटेबल है कैप्सिकम, शिमला मिर्च। आपको इसे ड्रॉ करना है और इसको कलर करना है, तो आपको ड्रॉ भी बुक में करना है। और लाइट कलर अगर करना चाहें तो आप क्रेयॉन से लाइट कलर इस पर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे इससे पहले भी बोला है कि बेटा, ये जो है पेज आपका वाटर कलर भी नहीं है, आप इस पर वाटर कलर करोगे तो आपके आगे और पीछे का सारा पेज जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपसे बोला था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ड्राइंग की कॉपी में करिए। लेकिन आपको अगर स्पेस मैक्सिमम साइज में मिल रहा है तो आप ड्रॉ कर लीजिए, मत कलर करिए। लाइट कलर भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें मैं क्या बताऊँ, आपको इसको केवल बस देख के ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने का एक सिंपल सा तरीका बता दे रहे हैं आपको। ऐसे बीच से जो है सेंटर पॉइंट लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जिससे आपको ये पता रहे कि मेरा इतना स्पेस ऊपर छूटेगा और इतना स्पेस नीचे छूटेगा। तो इससे रहेगा, स्केल से आपको पता चल जाएगा कि मुझे स्पेस कितना छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको ड्रॉ करना है, एक एक पार्ट्स को आप जो है सिंपल तरीके से बस आपको ड्रॉ करते चले जाना है। ओके, सही रहेगा कि आपका जो पेज नीचे फालतू का छूट रहा है वो भी आपका जो है देखने में सही लगे। और एटलीस्ट अगर नहीं छूट रहा तो साफ तो दिखे, साफ तो हमें करना है। सत्या ने ड्राइंग के पीछे में पेज को गंदा कर देना है। पहले लाइट ही ड्रॉ करिए। लाइट ड्रॉ करने से मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि कितने चीज़ जो हैं आपके फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप लाइट कलर से लाइट पेंसिल से आप अगर ड्रॉ करते हो तो आपकी कितनी चीज़ें जो हैं वो बच जाती हैं गंदी होने से। और तो और, तो आपकी जो ड्राइंग होती है वो भी देखने में अच्छी लगती है। ओके, तो हमारा जो ये कैप्सिकम है वो तो बन गया। कितना टाइम लगा मोस्टली आपको? 2 से 3 मिनट, ज्यादा नहीं लगा है ये ड्रॉ करने में। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं वाटर कलर तो आप वाटर कलर कर सकते हो। प्लस अगर आपको नहीं करना है इसमें वाटर कलर तो आप इसमें पेंसिल कलर यूज़ कर लीजिए। ड्रॉ ही करना है तो आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, प्लस आपका वक्त तो नहीं गंदा होगा। तो आप उस पर कर लोगे तो वो चीज़ें जो हैं बच जाएंगी। कैप्सिकम रेडी है, अब कैप्सिकम को हमें जो है कलर करना है। तो कलर करने के लिए ग्रीन कलर, अब देखिए हम जो है वो वाटर कलर नहीं करेंगे, हम आपको पेंसिल कलर से बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको वाटर कलर भी करना है तो आप इस पे वाटर कलर अप्लाई कर सकते हैं। और वाटर कलर आपको पहले जो है आप इस पे जो है अप्लाई करेंगे पहले येलो कलर। ठीक है, पहले आप इस पे येलो कलर करेंगे, फिर आप करेंगे इस पे लाइट ग्रीन कलर। बुक में लिख रहे हैं आप देख लीजिए, लाइट ग्रीन कलर। फिर उसके बाद जो टोन आप करेंगे वो होगा डार्क कलर। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर।
डार्क ग्रीन कलर करेंगे, डार्क ग्रीन कलर आप इस पे यूज करेंगे। तो पहले येलो कलर से आपको पूरा कर लेना है, फिर आपको लाइट ग्रीन कलर यूज करना है, फिर देख के आपको डार्क। रही बुक की बात, बुक में आपको कैसे कलर करना है, तो बुक में आपको मैं बता दे रही हूँ। पहले आपको बुक में येलो कलर करना है, पहले आप येलो पेंसिल कलर करिए, येलो लाइट कलर, ठीक है। फिर जो अप्लाई करिएगा येलो कलर पहले में मैंने आपको बताया था कि जितनी कोशिश आप ड्रा करने में करते हो और आपका रॉन्ग होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आपको ड्रा जो करना है वो बहुत लाइट करना है, जिससे आपका कलर जो है वो उभरे ना। इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो पेंसिल चलानी है वो बहुत ही लाइट चलानी है। फिर हम इस पे जो है आउटलाइन कर लेते हैं ब्लैक से, ठीक है, ब्लैक कलर से हम आउटलाइन कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो दिखा रहा है वो पेंसिल ही दिखा रहा है, जबकि हम इस पे जो है कलर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये सही नहीं लग रहा, हमको डार्क कलर चाहिए। तो डार्क कलर तो हमें हमारा स्केच ही दे सकता है, तो हम इस केस से इसको जो है डार्क कर लेंगे आउटलाइन। ओके, आपको ऐसे इसको आउटलाइन करना है ऐसे आउटलाइन करना है। फिर आउटलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको सारा आउटलाइन कर लेना है। फिर जो आपको डार्क टोन देना है, वो डार्क टोन देने के लिए आपको डार्क कलर का यूज़ करना पड़ेगा। अब जहाँ देखिए जो वाटर कलर से टोन आता है वो आपके पेंसिल कलर से टोन नहीं आएगा, लेकिन आपको बुक में अप्लाई करना तो इट्स ओके, ठीक है। यहाँ डार्क कलर यूज़ करना, आपको यहाँ डार्क कलर यूज़ करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि जब हम क्रेयॉन्स कलर मतलब मोम कलर यूज़ कर लेते हैं, तो उस पर हम जो सेकेंड कलर अप्लाई करते हैं वो कलर यूज़ नहीं होता है। तो हमें बुक में क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है, जब हमें ये जब डार्क कलर हम यूज़ करेंगे, तो उसके बाद हमें कॉटन की बॉल्स बनाएंगे और उस पर जो है रफ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो कलर हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें आपको हम जो आपको बुक में बता रहे हैं आपको बुक में करना, ये कंप्लीट नहीं मैंने किया है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसमें हम आपको नेक्स्ट बता सकते हैं। करना आपको बुक में कॉपी में जो करना है वो आपको बुक से देख के करना है। और जो है आप ज़्यादा अगर वो आप इसको जो है कैप्सिकम को आप कॉपी में ड्रॉ करिए और कॉपी में वाटर कलर करने की कोशिश करिए। जैसा मैंने बोला है कि आपको पहले पूरा जो फ्लैट कलर करना है वो पूरे में आपको येलो कलर करना है, देन आपको लाइट ग्रीन कलर करना है, देन डार्क ग्रीन करना है, तो उसके बाद जो है आपका कैप्सिकम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो है राइटिंग, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राइटिंग पैटर्न। तो राइटिंग पैटर्न में क्या है, आपको केवल लिखना है। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमें लिखना क्या है, तो हम इसको जूम करते हैं, आप इसको देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि
कि आपको सारे में जितने फ्लावर हैं, फ्लावर के जितने पीसेज हैं, लीव है, सारे में बस एक ही स्पेलिंग दिख रही है, वो है फ्लावर की। हमें जो है फ्लावर की स्पेलिंग दिख रही है और सारे फ्लावर जो है फ्लावर में हमें फ्लावर की ही स्पेलिंग दिख रही है, तो हमें यहाँ फिल करना है वो फ्लावर की स्पेलिंग को फिल करना है। जब जैसा हमने देख लिया कि इसमें हमें फ्लावर ही लिखा, तो हमें फ्लावर ही करना है। फिर हम इसमें जो है स्केच कलर यूज करेंगे, जैसे रेड कलर यूज करेंगे। अब रेड कलर से हमें फ्लावर लिखना है, बुक को मैसेज घुमा लेंगे, उसके बाद हम फ्लावर की स्पेलिंग लिखेंगे। जो हमें फ्लावर की स्पेलिंग इसमें दी गई है, जैसा जैसा जहाँ जहाँ लिखा हमने बहुत जूम किया तो आपको दिखा। एंड इसको मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ कि इसमें कुछ अलग चीज़ें तो नहीं ऐड हैं, ऐसे इसमें केवल फ्लावर ही दिख रहा है, FLOVER, बस यही है। तो हम इसको जो है इस तरीके से हम कितना भी छोटा नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें ये सोच के नहीं चलना है, हमें ये सोच के चलना है कि हम कितनी सफाई से उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे सिर्फ हमको क्या करना है, फ्लावर को स्पेलिंग को ड्रॉ करना है। ओके, तो ऐसे में रेड ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, तो ऐसे ही कर देना है इसको कंप्लीट। इसमें भी आपको कुछ नहीं अलग से एक्स्ट्रा यूज़ करना है, ना कलर ना कुछ। तो आपको जब ये कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको दो चीज़ें मैंने बताई, कैप्सिकम और राइटिंग पैटर्न। तो आपको ऐसे लिखना है इसको, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा छोटा लिखने के चक्कर में आप इसको गंदा ना करें। आप भले ही छोटा लिखिए, आपसे थोड़ा बड़ा हो रहा है, दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप फ्लावर की स्पेलिंग ड्रॉ करिए। स्पेस बहुत छोटा है, लिखना बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। गंदा हो, ज़्यादा गंद मत करिएगा, डार्क कलर यूज मत करिएगा, स्केच कलर ही करिए, लेकिन थोड़ा सा मीडियम यूज करिए, और उसमें कोई ठीक है। इसके बाद जो है वो हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। अब आपको कैप्सिकम और फ्लावर जो है कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके इसकी पिक्चर जो है मेरे पास भेजनी है। और हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उसके लिए जो है आपको कार्डबोर्ड में, मैं कार्डबोर्ड में आपको ये इसकी पेंटिंग बताऊंगी जो है सैंड पेंटिंग। अब इसको कार्डबोर्ड में ही आपको सिखाना है, आपको इसके लिए कार्डबोर्ड ही चाहिए। कार्डबोर्ड रहेगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से हम बता देंगे। तो बेस्ट अगर कोई कार्डबोर्ड होगा जो थोड़ा सा खुरदरा टाइप में होगा, उस चीज़ का यूज़ पड़ेगा हमें, और क्रेयॉन्स कलर का। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सैंड पेंटिंग बताएंगे, उससे पहले आपको ये दोनों कंप्लीट कर लेना है।